या रसूल अल्लाह, सारे नबियों का प्यारा मदीने में है। चमकता सितारा मदीने में, वो चमकता सितारा मदीने में है। जो खिलाफे खिलाफे रसूल होता है उसका सजदा फिजूल होता है, उसका सजदा फिजूल होता है। रसूल होता है उसका सजदा फिजूल होता है। हर गुलामाने रसूल पे अंजुम रहमतों का नुजूल होता है, रहमतों का नुजूल होता है। हर दिल की हर हकीकत सरकार जानते हैं, जानते हो तो हाथ उठाना भाई, जबरदस्ती का सौदा नहीं। हर दिल की हर हकीकत सरकार जानते हैं, कैसी है किसकी नीयत सरकार जानते हैं। हर दिल की हर हकीकत सरकार जानते हैं, कैसी है किसकी नीयत सरकार जानते हैं। और हिस्से में मेरे दोजख मुझको बताने वाले किसके लिए है जन्नत सरकार जानते हैं। किसके लिए जन्नत सरकार जानते हैं। वो लाख मैं बहुत देर से आपको देख रहा था और मैंने दिल में ऐसा चाहा भी कि मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हाजी साहब यहां जरूर आएंगे। बात पैसों की नहीं है हाजी साहब, पंजतन पाक का इतना बड़ा करम है, इतना बड़ा एहसान है कि पैसे इतने कमाता हूं कि मुझे भी नहीं मालूम। मेरा सीए परेशान है, ये सब अताए पंजतन है और ये सब कुछ अताए मोइनुद्दीन और ताजुद्दीन है। अरे क्या बात, मतलब सुनना। वो लाख सजदे कर ले, वो लाख
वो लाख सजदे कर ले वफादार नहीं है। मतला लिखने की बहुत बड़ी वजह, पहली वजह तो कि बुग्ज़े हैदर हैं जिनके सीने में, बुग्ज़े हैदर हैं जिनके सीने में, क्या मिलेगा उन्हें मदीने में। दूसरी एक रिवायत में सुन रहा था कि नमाज कहीं भी पढ़ो कबूल हो जाती है, किसी के भी पीछे पढ़ो कबूल हो जाती है। मैंने फौरन हदीस देखी, मैंने कहा अल्लाह ने शैतान से कहा, जब शैतान नहीं था, कि आदम को सजदा कर लो, मना कर दिया अल्लाह ने, शैतान कर दिया। जो आदम को सजदा ना करे उसे शैतान कर देता है, और जो नबी को ना माने उसे अल्लाह क्या कर देता है, है? अरे कैसे नमाज हो जाएगी। वो लाख सजदे कर ले, वो लाख सजदे कर ले, वफादार नहीं है। जिसको अल्लाह ने जबान दी है वही बोले भाई, जिसको अल्लाह ने जबान ना दी है वो ना बोले।
नबी 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 पढ़ो। जो लोग जिक्र अहमद मुख्तार करेंगे, 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 मैं शर्म वो रसूल का दीदार करेंगे। कोई अहमद मुख्तार
नहीं है। हाजी साहब, सागर की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने कि बड़े जबरदस्त नबी के रहते चाहने वाले रहते हैं, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है। नबी 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 पढ़ो। अच्छा, हो सकता है ये चार मिसरे सुनकर आप लोग बोलने लगे। ये चार मिसरे सुनकर पीकर नबी के इश्क में मैं आज डोलिए, पीकर नबी के इश्क में मैं आज डोलिए, पीकर नबी के इश्क में मैं आज डोलिए, जुम्बिश जरा सी दीजिए लब अपने खोलिए, जुम्बिश जरा सी दीजिए लब अपने खोलिए, जुम्बिश जरा सी दीजिए लब अपने खोलिए। खामोश खामोश वही बैठे जो ना मुस्तफा का हो, ऊपर आओ। नबी 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 पूरे सागर मैं रहने वालों से तवज्जो चाहता हूं शेर पर। इंसान के जिस्म में दिल होता है जो धड़कता है, जिससे इंसान जिंदा रहता है। ये नाते रसूल मैंने लिखी अल्हम्दुलिल्लाह, और इस शेर के लिए लिखी, इस शेर के लिए जो पढ़ने जा रहा परचम नबी का हाथ में देकर कहे हुसैन, परचम नबी का हाथ में देकर कहे हुसैन, परचम नबी का हाथ में देकर कहे हुसैन, परचम नबी का हाथ में क्या कहे। दुनिया वो दुनिया 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 में कोई दूसरा अलमदार नहीं है, दुनिया Oh,
अब्बास कहते हैं, जिसे सजदा करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं, जिसे सजदा करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर। जिसे जहरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। दुनिया कोई दूसरा अलमदार नहीं है, पहले नहीं नहीं सुन लो, इंशाल्लाह 3 बजे के बाद पुरानी पुरानी सुना दो, है ना। दरअसल आज मैंने सागर में सारे पैसे नए के लिए, हो भाई मिश्रे पे तवज्जो। परचम नबी का हाथ देकर कहे हुसैन, जी साहब अफसर भाई थोड़ा सा चेहरा दिखे ऐसे बैठो आप। हाँ, क्योंकि अपने पास जितना माल है अपनी फैक्ट्री का माल है, इधर उधर का चोरी चकारी का यूट्यूब का नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। परचम नबी का हाथ देकर कहे हुसैन, देकर कहे हुसैन। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, अली के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम, अली के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम, अली के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। हुसैन हाथों में असगर को लेके बोल उठे, सदका लुटा रहे हैं हम। पर परचम नबी का हाथ देकर कहे हुसैन, परचम नबी का हाथ देकर कहे हुसैन, परचम नबी का हाथ में देकर कहे हुसैन। सजा लिया इतने दारू दे पाप पर बना डालिया, इतने दारू दे पाप पर बना डालिया, उसको मेरे रसूल ने अपना बना लिया। नबी 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 पढ़ो, नबी 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 पढ़ो, नबी 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 पढ़ो।
पहले भाईजन दो में से सुना। जरदार पैसे वाला, सरदार हुकूमत करने वाला, जरदार जाएंगे ना तो सरदार जाएंगे, सरदार जाएंगे ना तो सरदार जाएंगे, जरदार जाएंगे ना तो सरदार जाएंगे, सरदार जाएंगे ना तो सरदार जाएंगे, सरदार जाएंगे ना तो सरदार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफा के वफादार जाएंगे। धामोनी ओर्स कमेटी है। अच्छा अच्छा, हजरत बाल जती बाबा रहमतुल्लाह है ना, मेरे वालिद आए हैं वहां पर, मरहूम फारूक नवाब का वालिद। हाँ हो मानते हैं कि अव्वल नबी भी आप हैं, आखिर नबी भी आप। लेकिन हाजी साहब मदीने में एक लाल रुमाल वाला है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, बांग्लादेश का है वो, मुजफ्फर शेख नाम है उसका, पता नहीं उसे क्या वलियों से, अली से, नबी से बुग्ज है। हत्ता को उसने माइक उठा के हरम में कह दिया कि हाजियों मस्जिद में अगर बैठा करो तो मस्जिद में नबी का नाम ना लिया करो, क्योंकि मस्जिद में नबी का नाम लेने से मस्जिद खराब हो जाती है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह। जब मैंने ये सुना हाजी साहब, तो अफसर भाई ये 10 मिसरे आपके छोटे भाई ने निकाले हैं, अगर वो कहता है कि नबी का नाम लेने से मस्जिद खराब हो जाती है तो इन 10 मिसरों पर तवज्जो, और सच्चे हो तो वहीं से बैठकर हाथ उठाकर शहादत दे देना, सच्चे हो तो, जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं। तवज्जो, तमाम नबियों, तमाम नबियों में आला मकाम है के नहीं, तमाम नबियों में आला मकाम है के नहीं, तमाम नबियों में आला मकाम है के नहीं, सबूत इसका खुदा का कलाम है के नहीं, सबूत इसका खुदा का कलाम है के नहीं, सबूत इसका खुदा का कलाम है के नहीं, ये पांच वक्त, ये पांच वक्त अजा वो भी सारी दुनिया में, ये पांच वक्त अजा वो भी सारी दुनिया में, ये पांच वक्त अजा वो भी सारी दुनिया में, अजान में भी मोहम्मद का नाम है के नहीं, अजान में भी मोहम्मद का नाम है के नहीं, अजान में भी मोहम्मद का नाम है के नहीं। हां उधर बैठो, तमाम नबियों में आला मकाम है के नहीं, सबूत इसका खुदा का कलाम है के नहीं, ये पांच वक्त अजा वो भी सारी दुनिया में, अजान में भी मोहम्मद का नाम, बोलो है के नहीं,
अजान में भी मोहम्मद का नाम है के नहीं, ओ गवाह किबला ओ अव्वल मस्जिद अक्सा, गवाह किबला ओ अव्वल है बड़ी सफका वो, हर एक नबी का मोहम्मद इमाम है के नहीं, हर एक नबी का मोहम्मद इमाम है के नहीं, हर एक नबी का मोहम्मद इमाम है के नहीं, यजीद नाम लानत हो इस नाम पर बेशुमार हो, एक बार नहीं बार बार हो, यजीद नाम का कोई कहीं मिलेगा नहीं, यजीद नाम का कोई कहीं मिलेगा नहीं, मगर मगर हुसैन दुनिया में लाखों का नाम है के नहीं, हुसैन दुनिया में लाखों का नाम है के नहीं, हमको कभी इनकार नहीं है, बस दो शेर रह गए नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मेराज के सफर पे ये जिब्रील ने कहा, येलो कलर के कुर्ते भाई कुर्ते में बैठे भाई साहब का नाम हरिओम भाई के बगल में जो बैठे, मुबीन साहब, मुबीन मकरानी साहब माशाल्लाह। मुबीन भाई, फरिश्तों ने फरिश्तों से सवाल किया, फरिश्तों ने जिब्राइल अमीन से सवाल किया कि जिब्राइल अमीन आप एक लम्हे में जमीन पे चले जाते हो, एक लम्हे में आसमान पे आ जाते हो, फिर क्या बात है कि आप नबी के साथ सिदरतुल मुंतहा से आगे क्यों नहीं गए? तो जिब्राइल अमीन क्या फरमाते हैं, तवज्जो, मेरा
के सफर पे ये जिब्रील ने कहा मैं इसलिए आगे नहीं जा सकता सरकार से, क्यों? क्योंकि सरकार ओ सरकार सरकार ओ सरकार सरकार से ज्यादा मेरी रफ्तार नहीं है, सरकार से ज्यादा ओ रफ्तार नहीं है, एक ये भी हटा दो और वो भी हटा दो, बाकी रहने दो। या रसूल अल्लाह, या हबीब, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं नरसिंह रूट्स कमेटी और मेरी जानो जिगर, मेरे दिल गुर्दे, मेरे बड़े भाई दाऊद भाई सौदागर भी इस महफिल में तशरीफ फरमा है। उम्मीद नहीं थी कि मेरे भाई भी इस महफिल में आएंगे। आइए, मक्ते का शेर रख रहा हूं जो इस नाते रसूल को मैंने जब लिखा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, गुलामा ने ताजुल वरा अहले कमेटी से तवज्जो चाहता हूं शेर पर कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं,
हाँ हाँ जान दो भाई, जान दो भैया, जान दो बराबर। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कलम उठाया और उठाने के बाद ये मिसरा लिखा इस गुलाम ने। हाजी साहब तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। ओ नबी 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 साहब, अहले नरसिंगर कमेटी, अहले सागर और खास खुसूसन खास गुलामाने ताजुलवरा अहले कमेटी से शेर पे तवज्जो। कहता अनीस सब से ये ख्वाजा पिया के बाद, सब से ये ख्वाजा नबी के बाद। ओ भैया, ओ भाई साहब, आज जोड़ लू तुम्हारे साथ पूरे मिसरे का तुमने मर्डर कर दिया। चाय लेके आ गए बीच में तुम। हाजी साहब, एक मिसरा खोलने के लिए 250 ग्राम खून की जरूरत पड़ती है, वो 250 ग्राम वेस्ट करवा दिया है भाई ने। हाँ, कहता अनीस सब से ख्वाजा नबी के बाद, कहता अनीस सब से ख्वाजा नबी के बाद, कहता अनीस सब से ख्वाजा नबी के बाद। ताजू ओ ताजू वरा सकोई, ओ ताजू वरा सकोई मददगार नहीं है।
के बाद ख्वाजा ओ ख्वाजा के सिवा कोई मददगार नहीं है। इंशाल्लाह दाऊद भाई, कोशिश ये रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि जितनी बार आऊंगा उतनी बार नया सुनाऊंगा। पहले एक नया कलाम सुनाऊंगा, उसके बाद सुनाऊंगा, मेरी गारंटी है। मैं आज कुछ और लेकर आया हूं यहां के लिए। एक शेर, आप लोग थोड़ा लेट आए, ये एक शेर फिर से सुनिएगा। परचम नबी का हाथ देकर कहे हुसैन, अलमदार नहीं है। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाथ रख रहा हूं तो भी नहीं टिक रहे, क्योंकि मेरे दर्दे दिल की दवा चल रही है। मेरे दर्दे दिल की दवा चल रही है, मदीने से ठंडी हवा चल रही है। हाँ, आइए ना तेरे सुर मुकम्मल कर रहा हूं। जिसने भी सैयदों के अगर दिल को दुखाया, जिसने भी सैयदों के अगर दिल को दुखाया, जिसने भी सैयदों के अगर दिल को दुखाया, क्योंकि दीन जिंदा रसूल जिंदा है, करबला के उसूल जिंदा है, और दीने अहमद पे सर कटाने को अब भी आले रसूल जिंदा है। अब आप इतना सोच लें कि एक सैयद सादात किसकी नस्ल से आया है। नबी की आल, अली की आल, फातिमा के गोद के पाले। अगर सैयद फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह, चार मिसरे भाईजान के शराफतों का लिबाड़ा, शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते,
जलील लोगों को इज्जत दिला नहीं सकते, जिन्हें नजर से गिरा दे रसूल की बेटी, क्रेन लाकर भी उन्हें उठा नहीं सकते। तो वो हकदार नहीं लीजिए।